हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। मटर का सीजन चल रहा है और मार्केट में काफी अच्छी मटर आई हुई है, तो क्यों ना मटर के पराठे बनाए जाएं। चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं। दो कटोरी आटे में आधा टीस्पून नमक डालकर मिला लेंगे और गुनगुने पानी से आटा लगा लेंगे। आटा हमें बिल्कुल वैसे ही लगाना है जैसा हम चपाती के लिए लगाते हैं, ना ज्यादा सॉफ्ट और ना ही ज्यादा टाइट। आटा लगकर तैयार हो गया है, इसे साइड में रख देंगे और पराठे के लिए फिलिंग तैयार करेंगे। यहाँ मैंने एक कटोरी मटर लिए हैं, मिक्सी में डालकर इसे दरदरा पीस लेंगे। हमें इसका बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, मटर के दाने को बस क्रश करना है। आप चाहें तो सिलबट्टे पर भी इसे पीस सकते हैं। आप इसे ऐसा या इससे थोड़ा मोटा ही रखें। अब एक पैन में एक बड़ा स्पून ऑयल डालकर गर्म होने देंगे और इसमें एक पिंच हींग और एक टीस्पून जीरा डालकर तड़कने देंगे। जीरे के तड़कने पर इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज और 3-4 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालकर 2 मिनट सॉटे करेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और इसमें आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबलस्पून बेसन डालकर 3 से 4 मिनट रोस्ट करेंगे। बेसन बहुत जल्दी भुन जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अब इसमें पिसी हुई मटर डाल देंगे और इसके मॉइस्चर के सूखने तक इसे रोस्ट करेंगे। इससे बेलते वक्त पराठे फटेंगे नहीं। अब इसमें आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्ची, हमने इसमें हरी मिर्ची भी डाली है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, और 1 टीस्पून अमचूर पाउडर डालकर इसे मिला लेंगे। साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। पराठे की फिलिंग रेडी हो गई है, अब पराठा बना लेंगे। अब एक रोटी का आटा लेंगे और इसकी लोई बना लेंगे। इस पर सूखा आटा लगाकर इसे पतला बेल लेंगे। अब इस पर 3-4 स्पून मसाला रखेंगे। हमें पराठे में आटा कम और मसाला ज्यादा रखना है। अब रोटी को साइड से इस तरह से पकड़कर फोल्ड कर देंगे और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हटा देंगे। इसे हाथ से दबाकर थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और सूखा आटा लगाकर बेल लेंगे। पराठे को हमेशा हल्के हाथ से बेलें ताकि ये कहीं से मोटा और कहीं से पतला ना हो और पूरे पराठे में मसाला इक्वली फैले। ये देखिए, बहुत ही सुंदर पराठा बना है। अब इसे गरम तवे पर डाल देंगे।
इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है और ऊपर की लेयर सूखने लगी है। अब हम इसे पलट देंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और घी या बटर लगाकर इसे सेक लेंगे। आप चाहें तो न्यूट्रल फ्लेवर का कोई ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब इसे पलट कर दूसरी साइड भी घी लगा लेंगे और सेक लेंगे। सारे पराठे इसी तरह बना लेंगे। आप इन्हें दही या टमाटर की चटनी के साथ सर्व करें। मटर के पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप इन्हें जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।